नमस्कार, स्वागत है आपका DTW24 न्यूज़ में और मैं आपके साथ अनुष्का सिन्हा। दूधमुहे बच्चे की मां के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसका वीडियो वायरल करने का एक मामला सामने आया है। ये मामला मुजफ्फरपुर के करजा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। हम आपको बता दें कि दुष्कर्म करने वाले 5 आरोपियों को पीड़ित महिला का पड़ोसी बताया जा रहा है। इस मामले के संबंध में पीड़िता महिला ने सोमवार की शाम करजा थाना पहुंच बयान दर्ज कराया और आवेदन दे कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता ने दिए गए आवेदन में कहा है कि उसके पड़ोस के ही 5 लड़के बीते 12 अगस्त की रात उसके घर में घुस गए। उन लोगों ने दूधमुहे बच्चे के माथे पर पिस्तौल सटा बच्चे की जान मारने की धमकी दी और सभी आरोपियों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया, साथ ही इसका वीडियो भी बना लिया। इस दौरान आरोपियों ने धमकी दी कि घटना की जानकारी पति या किसी अन्य को दी तो पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। पीड़िता के अकेली होने और बच्चे की जान बचाने की खातिर विरोध ना कर सकी। उसके बाद बार बार आरोपियों द्वारा वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म का प्रयास किया जाने लगा। इसी क्रम में बीते 22 अगस्त को फिर घर में घुस गए और दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगे। जब पीड़िता ने इसका पुरजोर विरोध किया तो मारपीट करते हुए सभी भाग गए, वहीं वीडियो वायरल कर दिया। वायरल वीडियो किसी तरह जब पीड़िता के पति के पास पहुंचा तो उन्होंने पत्नी से पूछताछ की, जिसके बाद पीड़िता ने पति को सारी बात बताई। घटना की जानकारी के बाद पीड़िता अपने पति के साथ करजा थाना पहुंची और मामले की जानकारी देते हुए आवेदन दिया। कैसे कैसे क्या आया जी? तो बोला है कि इसे मेरा साथ में इसे बलात्कार करो, वरना तो हम तुमका चुपचाप भूक देंगे या पिस्तौल मार देंगे। मेरा साथ में इसे नहीं भागो, ये सब नहीं करेंगे, ऐसा काम तो नहीं। मेरा साथ में करो ना तो बलात्कार, ना तो चप्पू भूकेंगे, गोली मार देंगे। हाँ नहीं निकलने लगा वीडियो कर जी। इससे पहले फिर आया था 2-4 बेरी तो हम बिलगा दिए गाली देकर, बच्चा के मार देंगे चक्कू पिस्तौल, ना तो पति के मार देंगे, ना तो तुमको मार देंगे, ऐसे करो। पहले भी ऐसा किया? पहले भी आया था तो हम बिलगा उलगा दिए गाली उली देकर, कुछ भी बोल कर सब। नहीं तुमको सके आदमी से भेंट हुआ है, भगता है कि नहीं? हम अकेले रहते तो क्या समझता है, भगता है आदमी से भेंट करा है कि? तो भाग गया। फिर उस दिन आया था 5 बजे किया, ओकर बाद वीडियो एकटा कर रहा था, एकटा वीडियो बना रहा था। कौन है रे, भगता है कि नहीं? भगता है कि नहीं? तो नहीं चक्कू भूक देंगे, तो पिस्तौल मार देंगे, तो जान मार देंगे, मेरा सब ऐसे करो। कौन सब है? शिवा है, सजना है, लाल बाबू है, श्री राम है, चुनचुन है। वीडियो कैसे? श्री राम है, वीडियो बना रहा है, चुनचुन है सर, फोटो खींच रहा है। हाँ जी, धमकी दिया, फिर इन्हें का धमकी दिया था कि जैसे मेरा साथ में करो ना तो हम मोबाइल में डाल लिए हुए हैं, फिर पाइल पर डाल लिए पूरा। नहीं कथी करेगा ना तो तुमको गुरु बनाए हुए नेट पर हम डाल देंगे, हम नहीं नहीं ऐसे करेंगे, सिर्फ रुक जाओ, तुमको सब बतला रहे हैं, पकड़ के या पिटाई खिलवाएंगे। तो नहीं नहीं ऐसे करो ना तो हम नेट पर 2-4 दिन पहले से नेट पर डलवा देंगे, नेट पर डलवा देंगे। हाई उस पर मारा, इस पर मारा, नेट पर डाल देंगे। मारपीट भी किया जी? हो गया। आवेदन में पीड़िता ने 5 आरोपियों को संरक्षण देने वाली 2 महिला का भी नाम दर्ज करवाया। वीडियो वायरल हुआ है, आवेदन प्राप्त हुआ है, अभी तुरंत प्राप्त हुआ है, तो थाना अध्यक्ष को बोला गया है कि इसमें प्राथमिकी दर्ज करके जो कार्रवाई बनती है वो करें। क्या क्या तफसील है इसमें सर? अभी तो हमको कुछ पता नहीं, जस्ट अभी आवेदन मिला ही है। वीडियो वायरल के बारे में अभी जस्ट बताया गया है, वो देख लेते हैं क्या वीडियो वायरल है। महिला द्वारा आवेदन दिया गया है, चंदा चंदा चंदा। हाँ बिल्कुल। फिलहाल पुलिस पीड़ित महिला का बयान दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।